इधर सियाचिन के शेष शहीद लांस नायक हनुमान थप्पा का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे धारवाड़ जिले में उनके पैतृक गांव बेतादूर में होगा। इससे पहले शहीद हनुमान थप्पा के पार्थिव शरीर को हुबली लाया गया, जहां नेहरू स्टेडियम में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में कल हनुमान थप्पा का निधन हो गया था। वो दिल्ली के अस्पताल में 3 दिन तक कोमा में रहे थे। इससे पहले हनुमान थप्पा 3 फरवरी को सियाचिन में अपने साथियों के साथ बर्फ में दब गए थे। उनका 6 दिनों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद 9 फरवरी को उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल लाया गया था। इस दौरान लोगों ने उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। कर्नाटक सरकार ने शहीद हनुमान थप्पा के परिवार के लिए 25 लाख रुपए की राहत राशि घोषित की है। इसके अलावा उनके परिवार को 1 प्लॉट, 2 एकड़ खेती या 4 एकड़ सामान्य जमीन और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने उनका स्मारक भी बनवाने की घोषणा की है। तो शहीद लांस नायक हनुमान थप्पा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी उनके पैतृक गांव बेतादूर में। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल दिल्ली के अस्पताल में हुआ था हनुमान थप्पा का निधन। करीब 11:45 पर जब यह खबर आई, हालांकि उससे ठीक पहले एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था और उसमें यह बताया गया था कि डीप कोमा में चले गए हैं हनुमान थप्पा, लेकिन उसके ठीक कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि हमारे बीच नहीं है अब हनुमान थप्पा। उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। सियाचिन में करीब 6 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे रहे, 35 फीट की जो बर्फ जिसके नीचे दबे रहने के बाद जब जिंदा निकले हनुमान थप्पा यहाँ से, तो वाकई में उसको किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही हनुमान थप्पा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा, तो अपने लाल को देखकर जो गांव वाले वहां पर हैं, जो लगातार दुआओं का प्रार्थनाओं का दौर वहां पर चल रहा था हनुमान थप्पा के लिए, उनकी आंखें नम हो गई। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा शहीद लांस नायक हनुमान थप्पा का। Thank you.